तो दोस्तों अभी मैं हूँ दिल्ली पे और मैंने ये वाला कैमरा अभी यहाँ पे लगाया है और इसका फुटेज मैं देखने वाला हूँ मुंबई से लाइव। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं उस कैमरा का लाइव फुटेज देख रहा हूँ मुंबई पे और कैमरा है दिल्ली पे और मैं यहीं से कैमरा को ऑपरेट भी कर सकता हूँ। तो है ना ये कैमरा बहुत ही बढ़िया, मतलब आप इसको कहीं पे भी फिट करके आप कहीं से भी देख सकते हैं। लेकिन वो दिल्ली मुंबई वाला सीन एग्जांपल था क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं चलता है कि ये कैमरा कैसे काम करता है। एक्चुअली मैं रहता हूँ बेंगलोर पे और मैं इसको बेंगलोर पे अपने घर पे फिट करता हूँ और मेरा होम टाउन है असम पे और वहीं से मैं बेंगलोर के घर को देखता हूँ इस कैमरा के थ्रू। और बेंगलोर और असम के बीच में डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर, लेकिन 3000 किलोमीटर दूर से भी मैं असम से बेंगलोर पे इस कैमरा को ऑपरेट कर सकता हूँ और देख सकता हूँ मेरे घर को। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी कैमरा है और इसका डिटेल रिव्यू मैं आज करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज़। एक्चुअली मैंने इस कैमरा के बारे में एक अलग सा वीडियो बनाया था पहले ही, लेकिन उसमें इतने सारे कमेंट्स आए कि मुझे ये वाला वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये जो कैमरा है इसको बोला जाता है आईपी कैमरा, नहीं तो वाईफाई कैमरा। ये बाजार में एकदम कम दाम में अवेलेबल है, आपको 1000 से भी मिल जाएगा और इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे होता क्या है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। आपका एक दुकान है लेकिन जब आप घर आते हैं तो घर से अपने दुकान को देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कैमरा दुकान पर रख के आएंगे तो आप घर जब आएंगे अपने मोबाइल से अपने दुकान को देख सकेंगे। अगर ये आप अपने घर पे रखेंगे तो आप दुकान से अपने मोबाइल पे अपने घर को देख सकते हैं। सिर्फ दुकान पे ही नहीं, मतलब अगर आप इसको अपने घर पे लगाएंगे और आप दुनिया के कहीं पे भी चले जाए आप कहीं से भी देख सकते हैं। मतलब अगर आप अमेरिका पे रहते हैं और आपका घर है इंडिया पे, तो अमेरिका से आप इंडिया को देख सकते हैं और इंडिया से अमेरिका को देख सकते हैं। ऐसा है ये कैमरा। लेकिन इस कैमरा को यूज़ करने के लिए आपको और दो चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। एक है स्मार्टफोन जो आपके पास रहता ही है और दूसरा है इंटरनेट कनेक्शन। एक इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए आपके मोबाइल पे, ये तो रहता ही है आपके मोबाइल पे, और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए इस कैमरा के लिए। वो हो सकता है आपका ब्रॉडबैंड का वाईफाई, नहीं तो आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल हॉटस्पॉट को इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आपको दो मोबाइल का ज़रूरत पड़ेगा, एक तो इसके साथ ही रखना पड़ेगा और दूसरा वाला आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट रहता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। और एक बात, ये सिर्फ एक आईपी कैमरा मतलब लाइव दिखने वाला कैमरा ही नहीं है, ये एक्चुअली एक सीसीटीवी कैमरा है। जो नॉर्मली जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं उनका दाम बहुत ज़्यादा होता है, 9000, 10000, 16000 ऐसा होता है, और उसमें आपको अलग से डीवीआर चाहिए। डीवीआर में हार्ड डिस्क होते हैं, लेकिन इसमें आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट है, आप इसमें 32GB नहीं तो उससे भी ज़्यादा मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं और इसमें रिकॉर्ड होता रहेगा। और जब मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिक पुराना वीडियो को डिलीट करता है और नया वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि मेमोरी कार्ड फुल होने के बाद क्या होगा। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड करेगा उसको देखने के लिए वो मेमोरी कार्ड को आपको निकालने का भी ज़रूरत नहीं है। जो वीडियो ये रिकॉर्ड करेगा उसको आप मोबाइल से भी देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे तब भी ये इसके मेमोरी कार्ड में सीसीटीवी के तरह वीडियो रिकॉर्ड करता रहेगा, लेकिन इंटरनेट नहीं होने से आप इसको लाइव नहीं देख पाएंगे। मतलब अगर आप इसको अपने घर पे नहीं तो दुकान पे नहीं तो फैक्ट्री में कहीं पे भी लगाते हैं तब ये सीसीटीवी का भी काम करेगा और आप इसको लाइव देख सकते हैं अपने मोबाइल पे भी। और इसमें फीचर्स बहुत है, इसमें मोशन डिटेक्शन भी है। मतलब अगर आप इसको फैक्ट्री में, दुकान पे, कहीं पे भी लगाएंगे, घर पे लगाएंगे और जब ये हरकत महसूस करेगा, मतलब अगर चोर घुसेगा, अगर ये किसी को देखेगा, तभी ये आपको आपके मोबाइल पे नोटिफाई करेगा। आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके फैक्ट्री पे, दुकान पे, नहीं तो घर पे कोई घुसा है, तब आप मोबाइल पे देख सकते हैं कौन है। और ये आपको उस चोर का फोटो खींच के आपके ईमेल में भेज भी देता है, और साथ ही इसमें स्पीकर और माइक भी है। मतलब उस टाइम आप उस आदमी से, नहीं तो चोर से, आप बात भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसको अपने ऑफिस पे लगाते हैं तब आप ऑफिस के अपने एम्प्लॉय के साथ बात भी कर सकते हैं, और अगर आप घर पे लगाएंगे तो आप बाहर से अपने घर के लोगों के साथ बात कर सकते हैं इस कैमरा के थ्रू। और रात के टाइम पे भी ये बहुत अच्छा सा रिकॉर्ड करता है क्योंकि इसमें नाइट विजन भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे IR लाइट्स है, ये बहुत ही अच्छा क्लियर नाइट विजन वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो मतलब इसमें खूबियाँ ही खूबियाँ है।
तो चलिए मैं अभी इसको आपको पास से दिखा देता हूँ और इसको मैं अपने घर के ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ और मोबाइल पे कैसे लाइव देखते हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस कैमरा के साथ आपको एक एडाप्टर मिलता है और उसके अलावा वॉल माउंट्स मिलते हैं। तो जो ये एडाप्टर है तो अभी इसको पावर सॉकेट में लगाना है और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो माइक्रो यूएसबी है, इसको लगाना है आपके कैमरा के पीछे। तो मैंने लगा दिया है, तो अभी पावर को ऑन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जब करंट चला जाएगा तो क्या होगा, तो जवाब है जब करंट चला जाएगा तब ये रिकॉर्ड नहीं करता है और जब करंट आएगा दोबारा तब ये दोबारा रिकॉर्ड करना शुरू करेगा। देखिए कैमरा घूमने लगा है, ऊपर नीचे किया, अभी दाएं बाएं करेगा, देखिए कर रहा है। और इसमें से एक आवाज़ आना चाहिए जब आप नया नया खरीदते हैं तब, मतलब ये इंस्टॉलेशन के लिए रेडी होगा। अगर देखिए आवाज़ आ रहा है, अगर ये आवाज़ नहीं आता है तो कैमरा को रीसेट करना पड़ता है। तो रीसेट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक होल है, वहाँ पे आपको कोई भी टूथपिक वगैरह डाल सकते हैं और 5 सेकंड तक प्रेस करना पड़ेगा, तो मतलब रीसेट हो गया है। तो अभी आवाज़ आएगा, तो अभी इसको कनेक्ट करना है मोबाइल के साथ और वाईफाई राउटर के साथ। इसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में आपको कैम हाई आईपी कैमरा टाइप करना है। ये जो पहला वाला ऐप है ये कैम हाई, ये मैंने इंस्टॉल करके रखा है ऑलरेडी, ये देखिए। तो इसको ओपन करूंगा अभी। जब मैंने ओपन किया ऐड कैमरा ऑप्शन है, तो ऐड कैमरा में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए वायरलेस इंस्टॉलेशन, यहाँ पे वो मेरा राउटर का पासवर्ड मांग रहा है, वो मैं डाल देता हूँ अभी। अभी मैंने पासवर्ड डाल दिया है, अभी अप्लाई कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने कैमरा का आवाज़ सुना है, कैमरा से आवाज़ आ रहा है, तो मैं करूँगा यस। और यस करते ही मोबाइल से अजीब आवाज़ें आएंगी। देखिए मोबाइल में आवाज़ आ रहा है, मतलब ये कनेक्ट हो रहा है। अभी ये 100% हो जाएगा तब कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी मेरा मोबाइल और कैमरा दोनों कनेक्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे टिप्स दिया है, फॉर प्राइवेसी सिक्योरिटी प्लीज चेंज द पासवर्ड ऑफ द कैमरा, मतलब आपको इस ऐप में कैमरा के लिए जो पासवर्ड दिया था उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं आई नो में क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है कैमरा ऑनलाइन है, तो अभी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा आ गया है मेरा वीडियो। तो अभी जो आ रहा है इस कैमरा के थ्रू आ रहा है, देखिए एकदम लाइव है। और अभी मैं इस मोबाइल के थ्रू इस कैमरा को ऑपरेट कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अभी स्क्रीन पे टच करके थोड़ा सा मुझे लेफ्ट करना है, देखिए कैमरा घूम रहा है, ये देखिए ऊपर नीचे करूँगा, अभी ऊपर नीचे, देखिए। तो अभी मैं आपको इस कैमरा का और इस ऐप का जो फीचर्स है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला है मोशन डिटेक्शन, तो मैं हाई पे रखता हूँ, तो मतलब कैमरा के आगे अगर कोई आएगा तब उसका नोटिफिकेशन आएगा और उस चीज़ का एक पिक्चर मुझे ईमेल मिलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा यहाँ से, तो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर में नोटिफिकेशन आ रहा है एक के बाद एक, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। तो अभी अगर मैं इस मोबाइल को दुनिया के कहीं पे भी ले जाऊं, मैं इस कैमरा के थ्रू मेरे घर को देख सकता हूं, क्योंकि ये कैमरा कनेक्ट है मेरे घर के वाईफाई राउटर के साथ और मेरे मोबाइल पे तो डाटा कनेक्शन है ही। तो चलिए वो भी आपको दिखाता हूं, मैं अभी बाहर चलता हूं और बाहर से मैं अपने घर को दिखाता हूं। तो ये देखिए मैंने कैमरा यहां पे लगाया है और मैं आपको दिखाने वाला हूं ये वाला लोकेशन कैमरा के थ्रू। तो अभी ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है और ऑडियो भी सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये जिम का सैंपल है, आप देख लीजिए कैसा वीडियो है, कैसा वीडियो और ऑडियो है। तो अभी मैं यहाँ से दूर जाऊंगा, 5 किलोमीटर दूर एक सुपर मार्केट पे जाऊंगा और वहां से मैं आपको ये सेम लोकेशन आपको दिखाऊंगा वहां से ऑपरेट करके। तो चलिए मिलते हैं वहां पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ सुपर मार्केट और वहीं से मैं आपको मेरे घर को दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मिलते हैं वहीं पे। तो दोस्तों अभी मैं सुपरमार्केट पे हूँ, ये मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है लेकिन मैं यहीं से अपने घर को देख सकता हूँ ये मोबाइल के थ्रू। कैमरा वहाँ पे लगाया है, तो अभी मोबाइल ऑन कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ये देखिए। तो ये देखिए मेरा घर है, यहीं पे मैं शूट करता हूँ और कैमरा को मैं ऑपरेट भी कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ।
देखिए दाएं बाएं कर सकता हूँ। तो है ना, मतलब अपने घर को आप कहीं से भी देख सकते हैं ऐसे। तो अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ। तो आपने देखा कि मैंने कैसे 5 किलोमीटर दूर से अपने घर को देखा। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि ये कैमरा इंटरनेट से कनेक्टेड था और मेरे मोबाइल पे भी इंटरनेट था। लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इसमें वाईफाई है और इसका रेंज कितना है। तो मैं यहीं पे बोल देता हूँ कि इसमें कोई वाईफाई नहीं है और इसका कोई रेंज नहीं है। इसको आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप दुनिया के कहीं से भी इसको देख सकते हैं। और एक बार कनेक्ट हो गया तो इस कैमरा के लाइव वीडियो को आप 5 मोबाइल पे देख सकते हैं, मतलब 5 लोग इस कैमरा को एक साथ देख सकते हैं दुनिया के कहीं से भी। तो ये जो कैमरा है ये इंडोर कैमरा है, ये बाहर के लिए नहीं है। आपको इसे घर के अंदर लगाना पड़ेगा। आप आउटडोर में ये वाला कैमरा इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आपको घर के बाहर के लिए चाहिए तो आपको खरीदना पड़ेगा आउटडोर आईपी कैमरा, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अगर आपको आउटडोर के लिए कैमरा खरीदना है तो उसका बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो है ना दोस्तों, ये एक बेहतरीन कैमरा। तो 1000 रुपीज में आपको एक बेहतरीन कैमरा मिल रहा है। तो अभी इसको ऑर्डर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो काम का लगा। अगर काम का लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह का यूजफुल वीडियोज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।